नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी के। आपने भी देखा होगा कि हमारे फ्रिज में फलों और सब्जियों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। आमतौर पर फलों के लिए बीच का हिस्सा और सब्जियों के लिए सबसे नीचे वाला कंपार्टमेंट होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिरकार फ्रिज के अंदर तो हर जगह समान ठंड होती है, फिर फलों और सब्जियों को अलग अलग क्यों रखा जाता है? आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इस अलगाव के पीछे की वजह एक गैस है। जी हाँ, एक गैस जिसे एथिलीन कहा जाता है। दरअसल ये पौधों में हार्मोन के रूप में भी काम करती है और ये प्राकृतिक तौर पर भी पाई जाती है। एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में मदद करती है। रासायनिक उद्योग में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसका उपयोग कई कार्बनिक रसायनों के निर्माण में होता है। केमिस्ट्री में इसे C2H4 के रूप में जाना जाता है। इस गैस का कोई रंग नहीं होता, लेकिन इसमें हल्की सी मीठी गंध जरूर होती है। इस तरह एथिलीन फलों से निकलती है जो उनके पकने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर फल कच्चा है तो एथिलीन की मात्रा कम होती है और अगर फल पक गया है तो ये गैस ज्यादा निकलती है। फलों से निकलने वाली इसी एथिलीन गैस का असर सब्जियों पर पड़ता है। सब्जियां इस गैस के संपर्क में आने से गलने लगती हैं, उनका रंग रूप बिगड़ जाता है और उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। यही वजह है कि फ्रिज में फलों और सब्जियों को अलग अलग रखा जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने सेब या केला को लौकी के साथ रख दिया। कुछ ही दिनों में लौकी हरी से पीली होने लगेगी, उसका स्वाद भी खराब हो जाएगा। एक और उदाहरण है फूल गोभी, जो एथिलीन के संपर्क में आते ही अपना पूरा टेक्सचर बदल देती है। कुल मिलाकर एथिलीन का काम है फलों को पकाना। फलों में ये खुद से भी बनती है और बड़े बड़े स्टोर्स में भी इसी का इस्तेमाल करके फलों को पकाया जाता है। लेकिन जब यही गैस सब्जियों के पास पहुँचती है तो खेल खराब हो जाता है। इसलिए हमें फलों और सब्जियों को अलग अलग रखना चाहिए, खासकर तब जब फल पूरी तरह से पके हुए हों। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों फलों और सब्जियों को फ्रिज में अलग अलग रखा जाता है। अगली बार जब आप फ्रिज खोलेंगे तो इस बात का ध्यान रखें और अपने फलों और सब्जियों को बेहतर तरीके से स्टोर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।